जनपद कुशीनगर के अहरोली बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर झुरिया निवासी रंजीत सिंह पुत्र महेंद्र सिंह दिनांक 21 तारीख को दिन बृहस्पतिवार को अपने घर से बाहर निकला, लेकिन अचानक किसी बात को लेकर संतोष जायसवाल पुत्र पूजन जायसवाल और अपने पूरे परिजन आज 10 लोगों के द्वारा गोलबंद होकर रंजीत को लात घूंसों से मारा पीटा तथा पीटते रहे जब तक वो अचेत होकर जमीन पर गिर नहीं गया। काफी देर बाद ग्रामीणों द्वारा रंजीत को बचाया गया। बताते चले कि रंजीत को संतोष जायसवाल के साथ 12 लोगों जिनका नाम अज्ञात ने रंजीत को मारा पीटा। मौके पर सूचना पाकर पहुंचे ग्रामीण डायल 100 ने घायल रंजीत को बचाकर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भेजा। संतोष के साथ उसके भाई विजय को थाने पर ले आई और वहां उचित कानूनी कार्रवाई न करते हुए मामूली से धारा लगाकर छोड़ दिया। सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी में रंजीत की बहन अपने भाई को बचाने गई तो उसे भी मारा पीटा। इतना सब होने के बाद भी पुलिस दोषी को पकड़ नहीं सकी। घर जाकर कांस्टेबल अनिल कुमार राय तथा रंजीत की बहन को अभद्रता से पेश किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि तुम्हारा भाई कहाँ है, उसे कहाँ ले जा रहे हो, ये उल्टा पीड़ित के परिवार को ही धमकाया जा रहा है, जबकि पीड़ित का इलाज अभी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में चल रहा है। इस मामले के संबंध में थाना अध्यक्ष राजेश मौर्य से पूछा गया तो उसे कहा गया मारपीट का मामला है और दोषी आदमी को बैठाया गया है और घायल व्यक्ति मेडिकल में है, जिसके तरफ से मुझे तहरीर नहीं मिला है। दोषी व्यक्ति के खिलाफ 191 चालान भी किया गया। T1 इंडिया न्यूज के लिए धीरज सिंह की रिपोर्ट, कुशीनगर। जनपद गोंडा के विकासखंड बेलसर के डिजिटल गांव पकड़ी में किया गया वित्तीय समस्या जागरूकता कार्यक्रम। डिजिटल ग्राम पकड़ी में CSC ई गवर्नेंस के माध्यम से वित्तीय समावेश जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को डिजिटल पेमेंट के बारे में जानकारी दी गई। जागरूकता कार्यक्रम में शुभारंभ इंद्र बहादुर तिवारी कर्मचारी डाक विभाग द्वारा किया गया, जिसमें वित्तीय समावेशन पत्रिका का विवरण किया गया। कार्यक्रम में CSC डिस्ट्रिक्ट को कोऑर्डिनेटर शशांक शर्मा, CSC केंद्र प्रभारी सुनील तिवारी, संचालक संदीप तिवारी, पंकज आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में ग्रामीण ने कैशलेस पेमेंट, बचत करना, बैंक में खाता खुलवाने के लिए विधि, अपनी बचत को कहां और कैसे निवेश करें, ई वॉलेट, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग का उपाय करना सीखा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर शशांक शर्मा ने ग्रामीणों को डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी देने के साथ साथ कैशलेस पेमेंट व डिजिटल से संबंधित हर तरह के कार्यों के बारे में बताया। संदीप तिवारी ने डिजिटल इंडिया के बारीकियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा, आज का ये हाईटेक युग डिजिटल इंडिया का युग है, जिसमें कि हम घर बैठे अपने सारे कार्य कर सकते हैं। अगर हमारे पास एंड्रॉइड फोन व लैपटॉप जैसे
ऐसी चीजें मौजूद हैं, तो घर बैठकर सोशल मीडिया के जरिए देश और दुनिया की खबरें व डिजिटल पेमेंट के माध्यम से कहीं भी पैसा भेजना, नेट बैंकिंग आदि का उपयोग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को शहर के बाद देहात एरिए में ग्रामवासियों को डिजिटल से जोड़ने का कार्य केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना है। केंद्र संचालक संदीप तिवारी, प्राइवेट स्कूल मैनेजर एसोसिएशन गोंडा, जिलाध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव, मनोज दुबे कोटेदार, विनोद पांडे, कल्लू नीरज, मनोज गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। टीवन इंडिया न्यूज के लिए विपिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट, गोंडा। छत्तीसगढ़ के सारगढ़ थाना क्षेत्र के कुर्सी गांव में शुक्रवार की दोपहर 3 बजे एक बेटे ने अपने पिता की टांगी से मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल निर्मित हो गया। सरपंच ने घटना की सूचना थाना सारगढ़ को दी, जिसके बाद सारगढ़ पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर हत्यारे पुत्र को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार डालेंद्र टंडन 50 वर्ष शराबी प्रवृत्ति का था, आए दिन अपने परिवार को शराब के नशे में लड़ाई झगड़े करता रहता था। घटना के दिन भी मृतक शराब के नशे में था, अपनी माँ को गोबर बीनने, लकड़ी काटने जाती हो बोलकर मारता पीटता रहता था, जिसके बाद भय से उसकी पत्नी व बच्चे भागने लगे, तो डालेंद्र मारते पीटते सभी को घर लाया और अपने पुत्र श्री प्रकाश के घर में रखी कुल्हाड़ी से फेंक कर मारा, जो कि उसको नहीं लगी। लेकिन अपने पिता के इस कृत्य को आक्रोश बेटे ने उसी कुल्हाड़ी से उठाया और अपने पिता के सिर और गर्दन पर वार कर दिया, जिससे प्रकाश की मौके पर मौत हो गई। अपने पिता की हत्या करने के जुर्म में पुलिस ने धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं मृतक के सबको कब्जे में लेकर पंचनामा कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सारगढ़ भेजकर सब परीक्षण का दाह संस्कार के लिए परिजन को सपोर्ट में दिया। कल 19 बजे मैंने रात को 7 बजे ग्राम खुर्सी की हीरामती वाईफाई भुवनेश्वर, उम्र करीब 65 साल की है, उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि कल दिनांक 22/3/2019 को करीब 3 बजे उसका बेटा ढालेंद्र टंडन शराब पी करके घर परिवार के लोगों को मारने के लिए दौड़ा रहा था और मृतक का ही एक बेटा है दीप प्रकाश, वो अपाहिज है थोड़ा सा, आज उसको मारूंगा कह करके दौड़ाया, पकड़ नहीं पा रहा था तो उसको कुल्हाड़ी से फेंक के मारा और कुल्हाड़ी दीप प्रकाश को नहीं लगा, तो दीप प्रकाश फिर उसी कुल्हाड़ी से अपने पिता ढालेंद्र टंडन, उम्र करीब 45-50 वर्ष को, सिर में, गर्दन में, पीठ में काफ़ी गंभीर चोट पहुंचा करके हत्या कर दिया है। रिपोर्ट पर हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और आज उसकी प्रारंभिक जांच भी हो गई है, आरोपी को हमने अरेस्ट कर लिया है और बाकी कार्यवाही पूर्ण करके कल उसको रिमांड पर भेज दिया। क्या क्या आधार लगा सर? इसमें मात्र 302 लगा हुआ है। टीवन इंडिया न्यूज़ के लिए प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट, रायगढ़, छत्तीसगढ़।